डियर स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। 10.3 में देखिए क्या है, यहां से ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इसमें आपको क्या करना बेटा, 10.3 में आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करने, फिर ये बताने इनके कितने कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे ये आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। पहला पेयर हम बना सकते हैं इसके अंदर, देखिए जैसे कि सर्कल ले लिया हमने, अब एक सर्कल और ले लिया यहां से, ऐसे इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और ये B। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी पेयर ऑफ डॉट्स ईच हैव इन कॉमन, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है, इसमें एक पेयर हमने ये बनाया, इसमें कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। ऐसे हम सेकंड पेयर बनाते हैं, इसके अंदर हमने एक एक सर्कल ऐसे ले लिया सेंटर O और एक सर्कल ऐसे ले लिया। अब यहां देख रहे दोनों सर्कल कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो गए, यहां पर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। ऐसे हम थर्ड पेयर लेते हैं, एक से सर्कल बनाया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये बना लिया, अब एक सर्कल और बना लिया, इसका सेंटर आपका O है, एक और यहां पर बना लिया, इसका सेंटर O डैश है, अब ये कहीं काट रहे हैं नहीं, तो यहां पर भी कॉमन पॉइंट कितने हैं, 0, कॉमन पॉइंट 0। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, फोर्थ पेयर, जैसे हम एक सर्कल ये बनाया सेंटर O, एक इसको बिल्कुल टच करता हुआ जा रही थी, इसका सेंटर O डैश, कॉमन पॉइंट कितने यहां पर 1 है, ये एक पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू O 1। पांचवा पेयर, एक हमने एक सर्कल बनाया ऐसे, इसका सेंटर O है, एक सर्कल और बना दे, इसी को टच करता हूं, इसी के अंदर जा रहा है ऐसे, ये O डैश है इसका सेंटर, ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पर कॉमन पॉइंट कितने आ गए, 1 आ गए, यहां कॉमन पॉइंट इक्वल टू 1। तो अब हमें बताना है ये भी कि मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने इसके अंदर, 2 है, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इक्वल टू 2, पहले वाले फिगर में इसमें 2 है मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। बेटा इसमें आपको क्या दे रखा है, सपोज करो आपको एक सर्कल दे रखा है, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट द सेंटर, तो हम उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम सपोज करो एक सर्कल बना लेते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ रिंग, ये बैंगल्स, बैंगल्स की हेल्प से हमने एक सर्कल बना लिया, अब हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर फाइंड आउट करने का मेथड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये
ये सर्कल बनाया। अब इसका सेंटर नहीं पता, इसका सेंटर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे पहले हमने तीन पॉइंट ले लिए सर्कल के बाउंड्री पर, ए, ये बी और ए सी, इनको ज्वाइन कर दिया, ए को बी से और बी को सी से और ए को सी से। टेक थ्री पॉइंट, टेक थ्री पॉइंट्स से ए बी एंड सी ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर तीन पॉइंट ले लिए, सेकंड में ज्वाइन ए टू बी, ए बी, बी सी एंड ए सी, इनको ज्वाइन कर दिया। थर्ड स्टेप में ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कोण, अब कोई भी दो कोण है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कोण्स से ए बी एंड बी सी। हमने कोई दो कोण ए बी बी सी ए सी, ये सर्कल की तो कोण है और ट्रायंगल की साइड होगी, कि नहीं, दो कोण का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। लेट एल वन एंड एल टू, लेट एल वन एंड एल टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ऑफ ए बी एंड बी सी। कैसे करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी देखिए आप। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो कैसे करेंगे, कंपास को बी पर रखा, ए बी के आधे से ज्यादा खोला, आर्क लगा दिया, प्रकार को उसी के बराबर खुला रखा, अब ए पर रखा, आर्क लगाई। अब जैसे ही आपने बी पर रख करके ऐसे आर्क लगाई और ए पर भी रख करके आपने ये आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ज्वाइन कर दिया, ये एल वन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, किसका, एपी का। अब हमने बी सी का बिल्कुल सिमिलर वही कंपास की जो है टिप है वी पर रखी, ऐसे आर्क लगा दिया हमने एक आधे से ज्यादा खोल करके ऐसे। अभी कंपास के जो टिप है उसको सी पर रखा और एक ऐसे आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ज्वाइन किया। अब ये जहां पर मीट कर रही है ये उसका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ये एल टू होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल टू। अब द एल वन एंड एल टू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, एल वन एंड एल टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कहां पर, ओ, तो हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसलिए ओ इसका सेंटर कहलाएगा सर्कल का। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा काफी यूज होगा इस क्वेश्चन नंबर का भी, अगले जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, पहले उसको आप रीड करिए इसको, क्वेश्चन नंबर थ्री को। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास इस तरह से है, इसकी स्टेटमेंट, एक टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, कहता है हमारे पास दो सर्कल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू पॉइंट के ऊपर, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोण। हमें ये प्रूव करना है कि जो उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं कहां लाई करे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां लाई करेगा, कॉमन कोण के ऊपर। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द टू पॉइंट, जैसे हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं तो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देखो ये सर्कल हमारे पास, इसका सेंटर ओ है, दूसरा एक सर्कल लेते हैं, इसका सेंटर सी है हमारे पास में, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का सेंटर ओ है और दूसरे का सी है। एक टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोण। अब कहता है जो सेंटर ओ एंड सी हैं वो कहां लाई करेंगे,
इसके कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये ए बी इसका कॉमन कोड हो गया, ए बी इज द कॉमन कोड। अब ओसी को हम ज्वाइन करते हैं यहां से, ये इनके जो सेंटर है और सी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड के ऊपर। तो गिवन में क्या लिखे बेटा, गिवन इस सर्कल टू सर्कल दे रखे हमें विद सेंटर ओ एंड सी, दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, ए एंड बी, ए बी इज द कॉमन कोड, ए बी इज द कॉमन कोड। टू प्रूव, अब आपको ये प्रूव करना है कि जो ओसी है, ओसी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड ए बी, एंड दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटर ओ एंड सी, एंड दैट इज सेंटर्स ओ एंड सी लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, कौन सी कॉमन कोड, एपी। ये भी कह सकते हैं, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इसके, इस इन अदर वर्ड्स, सेंटर ओ एंड सी देयर सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर कहां लाई करेंगे, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे, कोड ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। तो इसको हम प्रूव करते हैं, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दो बेटा, एक को ओ से ज्वाइन कर दो, एक को सी से ज्वाइन कर दो, ओ को बी से और ओ को सी से। ये कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए ओ बी सी ए एंड सी बी, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए बेटा, कौन कौन सी, ओ ए सी और ओ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ओ ए सी ओ ए सी, मतलब ओ सी के ऊपर एक ट्रायंगल है ओ ए सी, ओ सी बेस है जिसका, एंड एक ओ सी के नीचे ओ बी सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाइए आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसका रीजन देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ऐसे आपका AC जो है वो किसके इक्वल होगा, BC के, AC इज इक्वल टू BC। इसका भी रीजन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड, ये दोनों की कॉमन साइड होगी। अब बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय कौन से रूल से हो गए, SSS SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपलिसिटी से तो बेटा हम ये कह सकते हैं, इसको एंगल वन नाम दे दिया, इसको एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाई सिंपलिसिटी। अब जब ये एंगल वन और टू इक्वल कर दिया तो बेटा आपको तो एसी का जो ये ओसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम, इसका मिड पॉइंट दिखाना आपको, यानी कि एम दिखाएगी। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, ओ एम ए और ओ एम बी को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। इन ट्रायंगल कौन कौन से बेटा, ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए, इन ट्रायंगल ओ एम ए, यहां कर देते हैं हम इसको अब, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, ओ एम ए और ओ एम बी। अब बेटा ओ ए किसके इक्वल है बताइए, ओ ए ओ बी के बराबर, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। एक तो ये हो गया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, हमने प्रूव कर दिया, प्रूव। अगला ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड होगी,
OM is equal to OM, common side, common side. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी, OME कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OMB, कौन से रूल से होगी, बाई SES, साइड एंगल साइड वाले रूल से कॉन्ग्रेंट होगी. जब कॉन्ग्रेंट होगी तो CPCT से AM is equal to BM, एक तो ये पार्ट हो गया, EM is equal to BM by CPCT. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि OC AB को बाइसेक्ट कर दिया, AM किसके बराबर आ गया, BM के. अब आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर भी दिखाना है, यानी OC AB पर परपेंडिकुलर. इसको एंगल 3 नाम दे दो, इसको एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT. CPCT. इसके बाद में जब 3 और 4 बराबर हैं तो इसमें लीनियर पेयर अप्लाई कर दो. 3 + 4, अब इसमें लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं बेटा. 3 + 4 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, लीनियर पेयर बन जाएगा इसमें. एंगल 3 + एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर. अब 3 + 3 लिख दो मैं यहां पर, 180 क्यों लिख दो, 3 + 3 बिकॉज एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के. प्रूव देखो, वहां CPCT से प्रूव कर रखा 3 = 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 = 180 हो गया, और एंगल 3 की वैल्यू बेटा 180 बाई क्या आ गई, 290 आ गई. तो एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री का, 3 और 4 इक्वल है 90 डिग्री, और 3 4 90 का आ गया. जब 3 और 4 90 का आ गया तो अब आप कह सकते हो कि OC इज परपेंडिकुलर टू, OC परपेंडिकुलर किस पर हुआ, AB. ये भी आपने प्रूव कर दिया, AM इज इक्वल टू BM, प्रूव. तो हेंस OC इज द, दिस इंप्लाई दैट OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कौन सी कॉर्ड का, कॉमन कॉर्ड AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB, कॉमन कॉर्ड AB. तो अब हम ये कह सकते हैं, हेंस सेंटर O एंड O डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड AB. ये आपको प्रूव करना था कि जो इनका जो OC है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कॉर्ड AB का. ये हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर OC लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड AB. तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज कौन सी थी, 10.3 थी. तो 10.3 के हमने तीनों क्वेश्चन खत्म करे. उसके बाद में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम को हम प्रूव कर लेते हैं पहले आज, और कल इनके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे. थ्योरम 10.1 हमने थ्योरम करवाई थी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. सेकंड हमने थ्योरम करवाई थी, कोड्स आर इक्वल देन सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दो थ्योरम हो गई थी. तीसरी थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड. अगली थ्योरम लाइन ज्वाइनिंग थ्योरम 4 थी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कोड. पांचवी थ्योरम है कि लाइन ज्वाइनिंग द इफ देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, एक तो ये था. और जो छठी जो थ्योरम हमारे पास में है वो ये है 10.6, थ्योरम 10.6. 10.6 में है कि हमारे पास में दो कोड हैं, इक्वल कोड हैं, तो जब कोड बराबर हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होगी, कहां से, सेंटर से. ये अपने पास में है थ्योरम 10.6, और इसी का एक कन्वर्ज भी है. तो सबसे पहले हम थ्योरम जो है 10.6 करते हैं, और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको मैंने आपको बता दी, इक्वल कोड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विडिस्टेंस
आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास सर्कल के दो कोड हैं, दोनों कोड बराबर हैं तो सेंटर से बराबर डिस्टेंस होंगे। जैसे आपके पास एक सर्कल है, इस ये सेंटर पॉइंट है, हमने दो कोड ले ली इसकी, एक तो ए बी कोड ले ली और दूसरी कोड ले ली हमने सी डी, ये दोनों कोड बराबर ले ली ए बी और सी डी। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनकी, ये यहां से परपेंडिकुलर है सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है ओ, ये परपेंडिकुलर इस कोड के ऊपर और ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर। क्लियर ही बात, यानी कि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम, इन दोनों के इक्वल दिखाना है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे गिवन इ सर्कल विद सेंटर ओ, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, ये दोनों की लेंथ बराबर है, कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। क्लियर हो गया, ओ एम एंड ओ एन, ओ एम एंड ओ एन आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से। अब आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट दिस डिस्टेंस आर इक्वल, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इक्वल दिखाना है इसको। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करें बेटा, ओ को बी से ज्वाइन कर ले और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया मैंने बी से, ज्वाइन ओ बी, ओ बी एंड ओ डी इन दोनों का हमने ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट दिखा दो बेटा प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एम डी, इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट कैसे दिखाएं, ये तो एंगल वन और ये एंगल टू ईच ऑफ 90 डिग्री, ये दोनों में 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक साइड भी हमें दिखानी पड़ेगी, इससे पहले हम एक साइड इसमें दिखा देते हैं इसमें, क्योंकि ये तो आप दिखा सकते हो आर, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब एक साइड भी चाहिए, बी एम और डी एम, इनको भी इक्वल दिखाना आपको, बी एम और डी एम, इसको कैसे इक्वल दिखाएं, इसको सबसे पहले दिखाओ ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन है इक्वल कोड है, और ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब थ्योरम अप्लाई करिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट किसको करेगा, कोड को, तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी के। तो दिस इंप्लाई दैट ए बी का हाफ क्या हो गया, बी एम, बी एम, और इसका हाफ क्या हो गया, डी एम, यानी कि बी एम और डी एम दोनों बराबर हो गए। अब बेटा आप इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट दिखा सकते हो, कौन कौन से ट्रायंगल को कोंग्रुएंट दिखा सकते हो आप, एक तो ओ एम बी और एक ओ एन डी, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी इनको हम कोंग्रुएंट दिखाते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी। अब इन दोनों ट्रायंगल को ओ एम बी और ओ एन डी को कोंग्रुएंट दिखा रहे हैं, सबसे पहले एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एम 90 और यहां एन बी 90, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, पहला रीजन। दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद में बी एम इज इक्वल टू डी एन प्रूव, बी एम इज इक्वल टू डी एन प्रूव, ये हम प्रूव कर चुके। अब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ओ एम बी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी, कौन से रूल से बेटा, बाई आर एच एस से, आर एच एस रूल से हमने इसको कोंग्रुएंट दिखा दी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो सीपी सीटी से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाई सीपी सीटी।
आपको बेटा यही दिखाना था कि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हमें OM को O1 के इक्वल दिखाना था। अब इसकी जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो 10.7, थ्योरम 10.7 में बेटे सी का कन्वर्ज है। इसका कन्वर्ज क्या है, इसके अंदर अगर कोड क्या है इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से तो इक्वल होंगे। कोड ऑफ द सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड ऑफ ए सर्कल, अब इक्वल को मैं मिटा देता हूं यहां से, कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्या लिखा मैंने, कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल लेंथ, आर इक्वल, कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोड ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, क्लियर, कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, गिवन में हमें दे रखा है सर्कल विद सेंटर हो, अब ए बी और सी डी कोड है, मतलब अब हमें इक्वल नहीं दे रखी, अब हम यहां पर लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर द कोड, ए बी एंड सी डी आर द कोड, ये हमें ए बी और सी डी कोड दे रखी है। ओ एम एंड ओ एन आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सच दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखी है, टू प्रूव कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, अब इन दोनों कोड को हम इक्वल दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल ये फिगर बन जाएगा बेटा आपके पास, ये सर्कल हो गया ए बी और सी डी, हमारे पास में दो कोड हैं, अब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखी है, कौन सी ओ एम और ओ एन, तो किसको ज्वाइन कर दिया, ओबी और ओडी को ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन लिख रहे इसमें। अब दो ट्रायंगल को हमें कोंग्रेंट दिखाएंगे, अब प्रूफ के अंदर इसके अंदर देखिए ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब प्रूफ का देखिए इसके अंदर, प्रूफ के लिए सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को कोंग्रेंट दिखा दो, कौन कौन सी को, ओ एम बी और ओ एन डी, इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी, इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रेंट दिखाते हैं, ये एंगल वन ये एंगल टू ईच ऑफ 90 डिग्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच ऑफ 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया, ओबी इज इक्वल टू ओडी, ये हाइपोटेन्यूज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, उसके बाद में आपके पास ओ एम इज इक्वल टू ओ एन गिवन, गिवन, अब ये दोनों ट्रायंगल जो आपके पास ओ एम बी कोंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन डी बाई आर एच एस, अब ये आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गए, जब ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से ये साइड बी एम और डी एन बराबर हो जाएंगे, बी एम इज इक्वल टू डी एन बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, तो बेटा ये बराबर हमने इसको इसके इक्वल दिखा दिया। इसी तरह जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो इधर वाली दो ट्रायंगल बनेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आर एच एस से कोंग्रेंट होगी, यानी कि ट्रायंगल ओ एम ए और ओ एन सी, ये दोनों ट्रायंगल भी कोंग्रेंट हो जाएंगी बाई आर एच एस रूल से। सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन, अब मैं लिख रहा हूं सिमिलरली, सिमिलरली ए एम इज इक्वल टू सी एन, अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो बी एम प्लस ए एम मिल जाएगा, बी एम प्लस ए एम, यहां लिख देता हूं इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, इन दोनों को यहां लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को ऐड कर दो, ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम, और ये हो जाएगा आपका बी एन प्लस सी एन, अब इन जब ऐड करेंगे तो बेटा आपके पास ए एम प्लस बी एम ए बी बन जाएगा और डी एन प्लस सी एन क्या बन जाएगा
सिल्टी। आपको यही तो प्रूव करना था कि आपके पास में द कोड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देन कोड्स आर इक्वल। कोड ऑफ द सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो कोड इक्वल होंगी। इससे पहले जो थ्योरम थी 10.6 वो ये थी कि अगर हमारे पास में कोड इक्वल है, एक सर्कल की दो कोड बराबर हैं, तो उनकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। बेटा हमने 10.6 और 10.7 भी थ्योरम करी, तो नेक्स्ट जो हम डे करेंगे तो 10.1 एक्सरसाइज करेंगे, 10.4 एक्सरसाइज। थैंक यू।